सो फ्रेंड्स, क्या आप भी जो है मीशो पर कोई प्रोडक्ट जो है रिटर्न करना चाहते हो, या फिर गाइस आपने जो है मीशो से जो है कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया था और गाइस वो आपको रिसीव हो चुका है, बट गाइस वो जो प्रोडक्ट है आपको रॉन्ग प्रोडक्ट आपको डिलीवर हुआ है, या फिर गाइस गलती से जो है कोई और प्रोडक्ट आपको मिल चुका है, या फिर वो टूटा फूटा, या फिर किसी भी रीजन से जो है आप उस प्रोडक्ट को जो है रिटर्न करना चाहते हो, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको जो है उस प्रोडक्ट को रिटर्न कैसे करना है। देन आपने जो उनको पैसे पे किए हैं उस प्रोडक्ट के, वो आपको आपको अपने अकाउंट में किस तरह से वापस लेना है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहिएगा, कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है कपिल पटेल और स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। देन वीडियो अगर आपको जरा सी भी पसंद आती है तो वीडियो को जो है लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, नीचे जो है सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा उसे क्लिक कर लें, और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी यूजफुल एंड हेल्पफुल वीडियो हमेशा मिलती रहती है। सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो लेके चलता हूँ आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। सो आपको जो है मीशो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, एंड जो भी प्रोडक्ट आप जो है मीशो पर रिटर्न करना चाहते हैं उसे आपको ओपन कर लेना है। सो यहाँ पर कुछ दिनों पहले जो है मैंने मीशो से जो है ये शूज ऑर्डर करे थे, और इसमें जो है साइज का इशू आ रहा है, जिस रीजन से जो है मैं इस प्रोडक्ट को जो है रिटर्न करने वाला हूँ। सो आज जो है मैं आपको इसी प्रोडक्ट को रिटर्न करके दिखाने वाला हूँ, एंड इन्हें जो है मैंने 434 रुपये में इन्हें ऑर्डर किया था। सो आपको इसे रिटर्न करने के लिए जो है यहाँ पर आपको नीचे की साइड जो है रिटर्न आर एक्सचेंज का एक ऑप्शन मिलता है, जिससे आप जो है प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हो एंड एक्सचेंज कर सकते हो। सो आपको जो है उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर हमें एक रीज़न सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस रीज़न से जो है उस प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहते हो। सो यहाँ पर आपको कई सारे रीज़न यहाँ पर शो हो जाएंगे। सो आप जिस भी रीज़न से उस प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहते हो वो रीज़न यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सो यहाँ पर कई सारे रीज़न हैं, आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो गया है, या फिर वो टूटा हुआ है, या फिर आपको साइज वगैरह में इश्यू आ रहा है, तो आप जो है सबसे लास्ट वाला रीज़न सेलेक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन फिर आपको देखने को मिलेंगे। सो आप अपने में से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो मैं फिलहाल ये लास्ट वाला सिलेक्ट कर लूँगा। सो इस पर हमें सेलेक्ट कर लेना है, एंड सेलेक्ट करते ही गाइस यहाँ पर आपको आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहते हैं या फिर एक्सचेंज करना चाहते हैं। मतलब आप प्रोडक्ट को जो है एक्सचेंज भी करवा सकते हो, मतलब आप दूसरा प्रोडक्ट भी ले सकते हो बदले में उसकी। तो मैं जो हूँ फिलहाल रिटर्न करने वाला हूँ। सो रिटर्न के ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपका पिकअप एड्रेस शो हो जाएगा। तो आपको जो है सबमिट के ऑप्शन पर जो है क्लिक कर देना है। रिफंड लेने के लिए गाइस यहाँ पर आप अपनी UPI ID भी ऐड कर सकते हो। ऐड करने के लिए आपको ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर अपनी UPI ID डाल लेनी है, और यहाँ से आपको वेरीफाई कर लेना है। एंड अगर आप UPI में नहीं लेना चाहते तो यहाँ पर आप अपनी बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हो। अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको अपना IFSC कोड एंड अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल लेना है। सो यहाँ पर मैंने अपनी UPI ID और बैंक अकाउंट दोनों ऐड करके रखे हैं। सो मैं जो हूँ अपने बैंक अकाउंट में रिफंड लेना चाहता हूँ, सो मैं यहाँ पर अकाउंट ऐड कर लूँगा और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। सो यहाँ पर हमारी रिटर्न रिक्वेस्ट अप्रूव हो चुकी है, एंड देन यहाँ पर आपको अपना AWB नंबर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर बताया गया है कि आपको 3 से 4 दिन के भीतर जो है आपका प्रोडक्ट जो है पिकअप कर लिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमारी रिटर्न की जो रिक्वेस्ट थी वो यहाँ पर हमारी सक्सेसफुली अप्रूव हो चुकी है। अब 2 या 3 दिन के बीच में जो है डिलीवरी बॉय कभी भी जो है हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट को जो है वापस लेने के लिए आ सकता है। तो आपको जो है उस प्रोडक्ट को उसे दे देना है, एंड उस देने के बाद गाइस आपके जो है 5-6 घंटे के बाद जो है आपका जो पैसा है जो आपने उन्हें पे किया था वो आपके जो है 5-6 घंटे के बाद जो है आपके अकाउंट में जो है आ जाएगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर जरा सी भी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जो है लाइक कर दें। अगर आपको कोई भी अदर प्रॉब्लम आती है तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपको खुला है। सो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी यूजफुल वीडियो हमेशा मिलती रहती हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू, वंदे मातरम।